बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सब खैरियत के साथ ठीक ठाक। दोस्तों आज जो है इनकी केज की जो है मैं मट्टी जो तब्दील करने लगा हूँ। मट्टी जो खैर मैंने 15 दिन पहले जो है वो चेंज की थी, बट जो ये जो है ना नेस्टिंग इनकी की थी मैंने, तो वो इन्होंने जो है इधर केज में जो है बहुत ज़्यादा जो है ये देखें उलट पुलट की हुई है, काफ़ी ज़्यादा जो है गंद डाला हुआ है। अभी जो है इसकी मट्टी सारी मैंने निकालनी है केज की, और इनको जो है मैं दूसरे केज में निकाल लेता हूँ। तो अभी तक मादा ने जो है अंडे ले नहीं किए, तो इसलिए मट्टी जो है मैं चेंज करने लगा हूँ। मट्टी मैंने जैसे कि बताया 15 दिन पहले जो है चेंज की थी, आज जो है मौसम जो है कुछ ठंडा है, तो मैंने कहा चलो दोबारा जो है इसकी मट्टी चेंज कर देता हूँ। तो हर 15 दिन के बाद जो है तकरीबन मैं मट्टी जो चेंज कर रहा हूँ। मट्टी जो है वो ख़राब तो नहीं हुई, लेकिन इन्होंने जो है जो नेस्टिंग मैंने दी थी ना वो मट्टी में जो है मिक्स हुई पड़ी और सारा जो है गंद डाला हुआ है नेस्टिंग वजह से, जैसे कि आप देख रहे हैं वो देखें। तो अभी जो ये सारी मट्टी मैं निकालने लगा हूँ, इनको जो है मैं पकड़ के दूसरे केज में जो है डाल देता हूँ। इस केज में मैं इनको निकाल लेता हूँ। और इस केज की मैंने वीडियो जो है वो आज 3 साल पहले जो है बनाई थी, ये केज जो है मैंने बनाया है। तो अभी तक मैंने जो है ये इसके गोले नहीं लगाए, देख रहे हैं आप, तो ऐसे ही है। और मेल जो है माशाल्लाह से फुली हैंड टेम है। केज में जो है मैंने इनको निकाल लिया, और अभी जो है मट्टी पहले मैं सारी जो है इस केज की निकालता हूँ, और उसके बाद दोबारा नई मट्टी डालूँगा, और इनकी नेस्टिंग भी जो है वो नई बनाऊँगा। नेस्टिंग को अभी जो है अच्छे से बांध कर इनका अच्छे से घोंसला बनाऊँगा धागे से, ताकि ये दोबारा जो है उसको ख़राब ना कर सकें। मट्टी जो है मैंने काफ़ी अच्छी खासी जो है डाली थी केज में, तकरीबन 4-4 5-5 इंच जो है मट्टी है। नीचे जो है पक्का फर्श है, तो क्योंकि ये कमरे के अंदर है तो वो नीचे पक्का जो है वो कंक्रीट है, बजरी है, नीचे ना फर्श बना हुआ है। तो जो मट्टी मैंने काफ़ी ज़्यादा डाली थी, और ये जो है ये मट्टी ख़राब तो नहीं हुई, और मट्टी जो है बिल्कुल खेत वाली मट्टी है, रेत वाली जो दरिया की मट्टी होती है ना, बिल्कुल वही मट्टी है। ये देखें बिल्कुल रेतली मट्टी है, और बिल्कुल मट्टी साफ़ है, लेकिन ये जो नेस्ट की वजह से जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। मट्टी जो है मैंने सारी निकाल ली है नीचे से, और ये घोंसला वगैरह सब इसका सफाई वगैरह कर दी अच्छे से। और अभी जो है मट्टी थोड़ी सी गीली है, लेकिन क्योंकि ये मट्टी है, ये खेतों वाली, क्योंकि मट्टी हमारी ज़मीन जो है वो रेतली ज़मीन है, तो ये दरिया में जो रेत होती है ये वही मट्टी है। और अगर आपके तीतरों के परों में जो है जुएँ पिस्सू वगैरह हों, तो आप जो है इस मट्टी में राख जो होती है लकड़ी की राख, वो जितनी मट्टी हो उतनी ही आपने राख मिक्स कर देनी है इस मट्टी में। अगर आपके तीतरों के परों में जुएँ वगैरह या पिस्सू वगैरह हों, तो आप जो है उसमें राख लकड़ी की मिक्स कर सकते हैं इस मट्टी में। इस मट्टी में जो खेलेंगे तो वो जुएँ और जो पिस्सू वगैरह ख़त्म हो जाएंगे आपके तीतर परिंदों के जितने भी परों में होंगे। ये रेत वाली मट्टी इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ये मट्टी परों से अच्छी तरह जो है गुजर कर जाती है जब मट्टी में खेलते हैं। तो आप इस मट्टी में अगर आपके तीतर के परों में जुएँ हैं पिस्सू हैं, तो राख मिक्स कर सकते हैं इस मट्टी में। जितनी मट्टी उतनी राख आप मिक्स कर दें इनके केज में, जब मट्टी में खेलेंगे तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगी जुएँ और पिस्सू वगैरह जो परों में होंगे। ये दोस्तों नेस्टिंग जो है मैं ले आया हूँ, और ये सूखी घास है और थोड़ी सी गीली है, क्योंकि बारिश हुई है जैसे कि मैंने बताया, तो इस वजह से ये जो है गीली है। अभी नेस्टिंग को मैं अच्छे से बांधूँगा इस धागे से, अच्छे से मैं इसको बांधूंगा, ताकि ये दोबारा इसके अंदर खेलें भी तो ये ख़राब ना, केज के अंदर दोबारा जो है ये गंद ना डालें। तो इसलिए जो इसको नेस्टिंग को मैं बांधूंगा अच्छे से धागे की मदद से मैं बांध लेता हूं, तो फिर आपको दिखाता हूं किस तरह बांध है। नेस्टिंग जो है मैंने कुछ हद तक तैयार कर ली है, इसके जो है वह 3 स्टेप बनाए हैं। एक नेस्टिंग ये इस तरह बांध लिया है मैंने, और इससे छोटा एक ये बांधा है, ये देखें, और एक लास्ट में ये बड़े वाले। अब जो ये छोटा इस दरमियान में आएगा, इसको इधर जो है पहले मैंने धागे से बांधा हुआ, ये देखें, ताकि जो है इसके स्टेप बना लिए 3 मैंने, और इसको इसके साथ जो है फिर अटैच कर दूँगा, इससे बांध दूँगा, और ये वाला ऊपर लास्ट में ऊपर आ जाएगा, और इसको इन तीनों के साथ बांध दूँगा। इस तरह जो है हमारी नेस्टिंग जो है वो तैयार होगी, और ये दरमियान से खाली है तो ये मादा खुद ही जब बैठेगी अंडे देगी तो ये खुद ही सेट कर लेती है। और कुछ जो है मैं इधर 1-2 जो है वो और बांध दूँगा इसके ऊपर, जो ये खिलाया है वो भी पूरा आ जाएगा। इस तरह जो है नेस्टिंग जो है ये दोबारा जो है नेस्टिंग में खेलेंगे भी तो नेस्टिंग जो है वो गंद नहीं डालेंगे केज में, और नेस्टिंग ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह जो है नेस्टिंग बना रहा हूँ मैं, और अभी जो इसको मैं बांध लेता हूँ, फिर इसके घोंसले में रख देते हैं।
नेस्टिंग हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब जो इसको केज में रख देता हूँ, अभी गीली है लेकिन ये सूख जाएगी, इतनी ज़्यादा गीली नहीं है। और ये सूखी घास है, और अब ये मसला तो हल हो गया कि अगर खेलेंगे भी सही ना नेस्टिंग में तो नेस्टिंग जो है वो ख़राब नहीं होगी। अब इसमें खेलेंगे तो नेस्टिंग ख़राब नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने धागे से बांध दी अच्छे से, ये देखें। तो थोड़ी बहुत जो है वो तो निकलेंगे, ये वाले जो है ना बाहर जो निकले हुए हैं ये सूखी घास के, ज़्यादा जो ये गंद डाल देते थे केज में उससे जो है वो मसला तो हल हो गया। नेस्टिंग हमने जो है वो कर दी, अभी फ़ीमेल अंडे देगी तो देखेंगे क्या सीन बनता है। लेकिन इससे पहले फ़ीमेल ने जो है वो 3 बार अंडे दिए हैं, और मेल तीतर ने जो उसके साथ पहला मेल तीतर लगा हुआ था जिसको मैंने अलग किया था उसने तोड़ दिए थे। अभी जो है ये चौथी दफ़ा जो है वो मादा ने अंडे देने हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है अभी ब्रीडिंग सीज़न जो है इनका है। 1 माह हो गया है मेल को फ़ीमेल के साथ छोड़े हुए, 27 से 28 दिन हो गए हैं। तो मेल जो है क्रॉस कर रहा है फ़ीमेल के साथ, मीटिंग कर रहा है। तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है अभी फ़ीमेल जो है चौथी बार भी अंडे जो है वो देगी। तो जैसे ही जो है वो इनकी प्रोग्रेस आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा दोस्तों। तो अभी जो है ये चौथी बार मैंने बताया अभी फ़ीमेल अंडे देगी। तो हम जो है तीतरों को पेड़ को इसमें दोबारा छोड़ देते हैं। और एक भाई का जो है वो मैसेज आया था कि इसकी केज की सफाई करें। भाई केज की सफाई जो है मैंने पहले बताया कि 15 दिन के बाद जो केज की सफाई मैं कर देता हूँ, लेकिन आपके कहने पे फिर मैंने जो है वो आज 10 दिन हुए, 10 दिन पहले मैंने केज की सफाई की थी। तो दोबारा जो है जब मैंने नेस्टिंग दी तो फिर वो इन्होंने ख़राब कर दी, से केज में जो है गंद डाल दिया था। अब नेस्टिंग जो है मैंने बिल्कुल ये देखे बांध के जो है अच्छे से इसका पक्का जो है इंतज़ाम किया है। तो अभी नेस्टिंग वाला मसला तो हल हो गया है। तो केज में मट्टी वगैरह जो है वो भी डाल दी, और धूप का रहा, धूप जो है वो शाम के टाइम जो है इनको मैं बाहर इसी केज में डालकर जो है मैं रखता हूँ। तो धूप में है तीतर, अभी 10 मिनट तक जो है मैं इनको इधर दोबारा जो इस केज में छोड़ देता हूँ। इनको जो है केज में छोड़ दिया और माशाल्लाह से मट्टी में खेलने लग गया। मट्टी थोड़ी सी गीली है लेकिन इतनी ज़्यादा भी गीली नहीं है। और अभी जो धूप निकली हुई थी तो 10 से 12 मिनट जो है ये धूप में रहे हैं। तो उसके बाद मैंने दोबारा इस केज में जो है मैंने छोड़ दिया है, और सुबह के टाइम इसको धूप में रखता हूँ 10 से 15 मिनट। और ये जो है मादा पहले जो है मैंने बताया 3 दफ़ा एग जो है वो दे चुकी है, नर जो है वो तोड़ता रहा है। अभी नर दोबारा जो है घोंसले में जा रहा है और ये खेलेगा अभी इसमें, ये देखें। अभी खेलने वाला खेलेगा भी तो नेस्टिंग ये देखें ना, नेस्टिंग अब बाहर नहीं आएगी क्योंकि नेस्टिंग मैंने बांध दिया धागे से अच्छे से जो है मैंने बांध दिया। अब खेलेगा भी तो मैं नेस्टिंग जो है वो नहीं आएगी बाहर, और ये गंद नहीं डालेंगे अब। और मिट्टी जो है मैंने डाल दिया दोबारा, तो मिट्टी जो है पहले खुश्क थी, अभी बारिश की वजह से जो है वो गीली है, इसलिए जो है मिट्टी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, फूली फूली लग रही है। तो ओके व्यूअर, अगर तुम आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।